6 साल हो गए ने मतलब इस जी गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बेअदबी दे, पर किसी भी सरकार ने जी हूँ तक टस तो मस नहीं की। सैट बनती है, भंग हो जाती है, सरकार दीम बन जा, पर किसी गल सिटे नहीं पहुँचती, किमें देखते हो? जड़िया सिटा ने जाके भावें असी पिंड सरावी जाके आए हैं, भावें असी पिंड न्यामी वाले जाके आए हैं, जितों के दो मुंडे जड़े शहीद हो जाते हैं, जो उन्हें परिवारों के नाल जाके किसी सिट ने गलबात ही नहीं की, किसी सिट ने उन्होंने पूछे ही नहीं, तो फिर असी किवें उम्मीद करांगे कि जड़ी है सरकार लोगों नाल इंसाफ करेगी। 1984 सी एक मुद्दा बन के रह गया वोटों के लिए, कि लगता है बेअदबी कांड भी हुण सिर्फ मुद्दा बन के रह जाऊ? कैबिनेट पूरी पहले सैशन के झोलियां फैला फैला कहती सी कि असी इंसाफ करांगे, असी दोषियों को सज़ा देवांगे, तो मैं पूछना चाहनी हाँ, अज 4.5 साल हो गए, सरकार अपनिया कई गल्लां तो क्यों भज रही है? सो साफ स्पष्ट करते हैं सारे हालात कि सरकार उन्हां दोषियों को बचाना चाहती है, सरकार उन्हां दोषियों को शैल्टर दे रही है, सरकार उन्हां दोषियों को बचा के लोगों नाल धोखा कर रही है। सत श्री अकाल जी, तुसी देख रहे हो लोकवाई टीवी, तो मैं मनिंदरजीत सिद्धू। 6 महीने के करीब हो गए अज सरूप श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के सरूप बुरजवार सिंह वालों तो चोरी होया तो, जिसते अज हर पार्टी चाहे नवी बनी ढींडसिया की पार्टी होवे जां आम आदमी पार्टी जो विरोधी धिर विच है अज नतमस्तक होण आउंदी है, चाहे वह अपनी राजनीति चमकाउण आउंदी है, एक गल वखरी है। पर साडे नाल ने प्रोफेसर बलजिंदर कौर जो तलवंडी साबो तो MLA ने आम आदमी पार्टी के, मैडम स्वागत है। थैंक यू जी, थैंक यू। मैडम सब तो पहला सवाल है जी, अज जिहड़ा तुसी इत्थे आए हो, इत्थे आउण दा मकसद राजनीति है जां वाकई दर्द है पंजाब लई गुरु ग्रंथ साहिब लई? देखो पहली गल तां इह है कि जिथे गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दा मसला आउंदा है, जिथे पंजाब दी गल आउंदी है, पंजाब दे लोकां दी गल आउंदी है, इंसाफ दी गल आउंदी है, तां मैनूं इह लगदा कि इहनां गल्लां ते जिहड़ी है कोई राजनीति नहीं है। और वैसे भी देखा जाए तां आम आदमी पार्टी इक्को गल ते स्टैंड करदी है कि आम आदमी पार्टी ने कम करके दिखाए ने, तो जे अज आम आदमी पार्टी की पूरी यूनिट साड़ी इत्थे बुर सिंह जवाहर सिंह वाला पहुंची आ, तो गुरद्वारा साहब गुरु महाराज पातशाह अगे अरदास बेनती करन दे लई, सरबत दे भले दी अरदास बेनती करन दे लई, और अरदास बेनती ये करन दे लई कि इस सरकार नू कम से कम गुरु महाराज साहब आप जिहड़ी आ सरकार नू बुद्धि बख्शन कि जिहड़े वड्डे वड्डे वादे पंजाब दे लोकां दे नाल कीते सीगे कि सर गुरु महाराज साहब दी जिन्हां लोकां ने बेअदबी कराई आ उन्हां नू फड़ के असी जेलां दे विच बंद कर देंगे। सो अज 6 साल हो गए ने मतलब इस जी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बेअदबी दे, पर किसी भी सरकार ने जी हुण तक टस तो मस नहीं की। सो अज बेसिकली 1 जून जिस दिन जिहड़े आ सरूप चोरी हुए सीगे गुरु ग्रंथ साहिब महाराज अगे, अज सिर्फ अरदास करन दे लई आम आदमी पार्टी अज इत्थे पहुंची है। मैडम की लग रहा है, सैट बनती है, भंग हो जाती है, सरकार दियां जां टीमां बन जांदियां, पर किसी गल सिटे ते नहीं पहुंचती, किवें देखदे हो सब? देखो सरकार जे किसी मामले प्रति सुहिरद होवे, सरकार जे चाहुंदी होवे तां सिटां किसी मसले ते पहुंच सकदियां हुंदियां ने, ते साफ पता लगदा कि सरकार जिहड़ियां सिटां बणदियां आईआं, जिहड़े कमिशन बणदे आए, जिहड़ियां सिटां ने जाके भावें असी पिंड सरावी जाके आए हैं, भावें असी पिंड न्यामी वाले जाके आए हैं, जिथों के दो मुंडे जिहड़े शहीद हो जाते हैं, जो उन्हां परिवारां दे नाल जाके किसी सिट ने गलबात ही नहीं की, किसी सिट ने उन्होंने पूछे ही नहीं, तो फिर असी किवें उम्मीद करांगे कि जिहड़ी है सरकार लोकां नाल इंसाफ करेगी, सरकार गुरु साहिब दे दोषियों नूं सज़ा देगी, फिर तो कोई उम्मीद ही नहीं की जा सकती। मैडम की लगता है जिवें 1984 सी एक मुद्दा बन के रह गया वोटों के लिए, कि लगता है बेअदबी कांड भी हुण सिर्फ मुद्दा बन के रह जाऊगा? बनाया की नहीं आ मुद्दा, जदों तक अकाली दल दा सरकार सी उस वेले कैप्टन अमरिंदर जी ने अपनी सत्ता हासिल करनी सी, अपनी सत्ता हासिल करन दे लई स्टेजां ते कहिंदे सीगे कि मैनूं पता दोषी कौन है, जे उन्हां नूं पता दोषी कौन आ, जे उन्हां नूं पता गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बेअदबी किहने कराई आ, कैबिनेट पूरी पहले सैशन दे विच झोलियां फैला फैला कहिंदी सीगी कि असी इंसाफ करांगे, असी दोषियों नूं सज़ा देवांगे, तो मैं पूछना चाहुंदी हां अज 4.5 साल हो गए सरकार अपनिया कई गल्लां तो क्यों भज रही है? सो साफ स्पष्ट करते आ सारे हालात कि सरकार उन्हां दोषियों नूं बचाना चाहती है, सरकार उन्होंने दोषियों को शैल्टर दे रही है, सरकार उन्होंने दोषियों को बचा के लोगों नाल धोखा कर रही है। मैडम 4 साल हो गया सरकार, 4 साल हो गए तो विरोधी धिर च, कि विरोधी धिर ने उस सरकार से दबाव पाया जिहड़ा पाउणा चाहिए सी ना 4 सालों के, क्योंकि सरकार के वादियां ते लोग उंगल उठाउंदे कि कोई वादा नहीं निभाया, पर विरोधी धिर का भी कहिंदे कि वह रोल नहीं अदा किया। बड़ा संजीदगी भरिया मसला आ जिहड़ा
कि दूर दराडे बैठे पूरी सिख कौम नू पूरे पंजाब दे लोकां नू हर उस बच्चे बच्चे दे हिरदे नू ठेस पहुंचाई है इस गुरु ग्रंथ साहिब दी जिथे जिस धरती ते गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दी बेअदबी इन्हां सरकारां दे राज दे विच हो गई आ तां एक बहुत ही वड्डी गल आ जिथे साडे हिरदियां नू बिल्कुल चीर चीर करके रख दिता। सो इहो जे मसलियां ते हुण तक जिहड़ी आ भावें साडे जिन्ने सैशन लगे ने सैशन दी गल करिए इह कोई इह नहीं आ कि आम आदमी पार्टी विरोधी धिर दे विच आ या फिर असीं सरकार ते कोई पॉइंट आउट करदे आ, इह साडा इखलाकी फर्ज आ, इह साडी जिम्मेवारी आ, इह साडे जिहड़ी आ फर्ज बणदे आ, साडियां ड्यूटियां बणदियां कि असीं उस गुरू लई स्टैंड करिए, उस गुरू लई खड़ीए, उस गुरू लई इंसाफ दी मंग करिए। मैडम जेकर तुहाडी सरकार 2022 दे विच आउंदी है तां की कोई समां रखोगे कोई बेअदबी दी इंसाफ दी? बिल्कुल, आम आदमी पार्टी ने अज तक दिल्ली दे विच भी जो कहा करके दिखाया तो डेफिनेटली असी पंजाब दे लोकां दे नाल वादा करदे हां कि जिन्हां लोकां ने गुरु साहब नाल बेअदबी की है, गुरु साहब की बेअदबी कराई आ, उन्हां नूं फड़ के जेलां च जरूर बंद करा। थैंक यू मैम। ये सन साडे नाल प्रोफेसर बलजिंदर कौर जो तलवंडी साबो तो विधायक ने आम आदमी पार्टी के, उन्होंने कहा कि राजनीति कर रही है जिहड़ी सरकार है, कैप्टन सरकार ये कह के आई सी कि असीं इंसाफ दवावांगे पर अज 6 साल के करीब हो गया सरूप चोरी होया पर इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं। उन्होंने लोगों जिन्हों के परिवार शहीद होए है उन्होंने हाले तक बयान तक नहीं ले गए सैट वालों, तो इंसाफ कितों मिलेगा? नाल ही उन्होंने कहा कि जेकर 2022 के आम आदमी पार्टी सरकार होंगी है तो इंसाफ जरूर दवाएंगे। कैमरा परसन जसवीर मत्ता के मनिंदरजीत सिद्धू, लोकवाई टीवी, बरगाड़ी।